कार्रवाई की गई। खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। हसनपुरा में पशु प्रबंधन शाखा ने यह कार्रवाई की है। 6 मीट की दुकानों को सीज किया गया है। साथ ही साथ खुले में जो मीट बेच रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर से आई ये तस्वीर देखिए। हेरिटेज निगम की ओर से ये कार्रवाई की गई। अवैध बूचड़ खानों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। हसनपुरा का वो इलाका जहां पर खुले में धड़ल्ले से मांस बेचे जा रहे थे और कई अवैध बूचड़ खाने भी चल रहे थे। प्रशासन ने अवैध बूचड़ खानों को सीज कर दिया है और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन्हें हिदायत दी गई है कि आगे से वो ये गलती ना दोहराएं। कार्रवाई के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। तो कुल 6 मीट की दुकानों को सीज कर दिया गया है और प्रशासन की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो अलग अलग मीट शॉप्स जहां पर प्रशासन की टीम पहुंची और संचालकों में हड़कंप भी मच गया। हाथ जोड़ते हुए भी कुछ लोग नजर आए इस दौरान और प्रशासन ने किसी भी अवैध बूचड़ खाने को नहीं बख्शा। 6 मीट की दुकानों को कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया और जो लोग खुले में मीट बेच रहे थे उन्हें भी सख्त चेतावनी दी गई है कि वो आगे से खुले में मीट ना बेचे। तो जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हेरिटेज निगम की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। इससे पहले भी हेरिटेज निगम की ओर से इस तरीके की कार्रवाइयां की जाती रही हैं और एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अवैध बूचड़ खानों को सीज कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली के मेहरौली से जुड़ी खबर की, जहां पर 2022 को श्रद्धा कांड हुआ तो शायद वो आपको